नमस्कार, आप सभी का चैनल के ऊपर स्वागत है। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का हमारा टॉपिक है वही डिस्काउंट पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने दो वीडियो बनाई थी, तो प्लीज उनको भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, उन्हें भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो बगैर टाइम नष्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे हमारे पास इससे पहले हमने जैसे जो डिस्काउंट होता है, छूट होती है, उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। अब हम जैसे क्या होता है, अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य और भुगतान मूल्य में जो अंतर होता है उसको वह छूट कितनी प्रतिशत करता है, उसके टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। पहले क्या था, परसेंटेज निकालते थे हम, या बटा प्रतिशत जो होता था उन वीडियो में डाला गया था या दिखाया गया था। अब जैसे हमारे पास है, हमारे पास टॉपिक भाई अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य, डिस्काउंट जिसे हम कहते हैं डिस्काउंट, जिसको हम क्या कहते हैं, बटा प्रतिशत, जिसको हम छूट भी कहते हैं, जिसे हम छूट भी कहते हैं। उसके बाद है जैसे वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य है हमारे पास 1000 रुपए, वस्तु का मूल्य है हमारे पास 1000 रुपए। अब जैसे हम इसका भुगतान करते हैं, भाई भुगतान कितना करता है, फिर हम उसकी परसेंटेज निकालते हैं। तो प्लीज वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। तो हमारे पास है, अब जैसे क्या करता है, ये भुगतान करता है, भुगतान जिसको हम अदा कहते हैं, भुगतान अगर ये 800 रुपए करता है, भुगतान ये वस्तु का कितना करता है, 800 रुपए करता है। अब इसकी हम छूट रुपए में निकालते हैं। जैसे हमने वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए दे रखे है और हमने भुगतान किया उसके 800 रुपए भुगतान किया है, उसके बाद हम छूट निकाल लेते हैं इसकी, छूट रूप जिसको हम बटा भी कहते हैं, छूट रुपए में 1000 माइनस 800 रुपए, तो छूट कितना हो जाएगा हमारे पास 200 रुपए, कितना हो जाएगा 200 रुपए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी छूट प्रतिशत निकालते हैं, छूट प्रतिशत निकालेंगे, छूट हमारी कितनी है 200 रुपए, 200 रुपए गुना में क्या रखेंगे, परसेंटेज कितना होता है 100, छूट किस पे मिली हमें 1000 रुपए पे, तो 1000 रुपए हम इसकी यहां नीचे डालेंगे, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे हम, तो 20% हमें छूट मिली है, 20% छूट मिली है। भाई किसी वस्तु का एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, भुगतान हम 800 रुपए करते हैं और छूट रुपए में जैसे हम निकालते हैं, भाई 1000 रुपए में से हम 800 रुपए इसमें से सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो छूट हमें कितनी आती है 200 रुपए की छूट आती है, और छूट प्रतिशत निकालते हैं तो 200 गुना में 100 डालेंगे, और किसके 1000 रुपए के ऊपर छूट है तो हम 1000 रुपए उसके अंदर से नीचे डाल देंगे, जिसको हम सीपी वगैरह बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ या अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे थोड़ा अलग भाई हम सिखा रहे हैं। अब जैसे हम क्या लेते हैं, वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए, वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए, हम इसके अंदर सभी मिक्स सम करा रहे हैं, जो पीछे भी वीडियो के अंदर हमने कराए थे उसके बारे में सभी डिस्कस कर देंगे इसके अंदर। अब जैसे हमारे पास है बटा कितना है 12%, 12%, तो इसके अंदर हम भुगतान निकाल लेंगे इसका, भाई भुगतान कितने रुपए भुगतान करेगा वो, तो भुगतान करेगा तो इसमें से हम कितना करेंगे, जैसे हमारे पास परसेंटेज कितना का होता है 100 का होता है, तो 2 0 0 0 काट देंगे हम इसके अंदर से, तो छूट रुपए में कितनी आएगी इसकी, छूट रुपए में 12 12 144 रुपए छूट हो जाएगी हमें, 144 रुपए इसके अंदर से छूट हो जाएगी। 144 रुपए छूट होने के बाद
144 रुपए इसके अंदर से हम घटा देंगे, 144 रुपए हम इसके अंदर से घटा देंगे तो कितना आएगा, 1056 रुपए हमारे इसको भुगतान करना पड़ेगा। तो ये तरीका ऐसा है, अगर इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं, जैसे हमारे पास कितना है 1200 और परसेंटेज कितने की है 12% है और बटे क्या रखेंगे हम 100, 20 से 20 काट देंगे हम, 12 144 रुपए की, वही 144 रुपए आता है, वही 144 रुपए आएगा। तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, वो 144 रुपए छूट है वो इसमें से हम सबट्रैक्ट कर देंगे भाई, 1200 में से 144 रुपए सबट्रैक्ट कर देंगे तो 1056 रुपए का हमें भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ या अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जैसे थोड़ा सा अलग करते हैं हम, इससे थोड़ा सा अलग करेंगे हम, जैसे क्या होता है कई बार, जैसे भुगतान रुपए वस्तु का भुगतान रुपए कितना आ जाता है, 1500 रुपए आ जाता है और इसके ऊपर बटा कितना है, बटा है 10%, बटा कितना था 10%। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें अंकित मूल्य निकालना पड़ जाए भाई, अंकित मूल्य अगर हमें निकालना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य तुम पहले तो हम सिर्फ क्या करते थे, बटा निकालते थे या भुगतान निकालते थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे इसके अंदर से अंकित मूल्य हमें निकालना, हमने भुगतान कितना किया हमने 1500 रुपए भुगतान किया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, अब जैसे हम इसके अंदर से अगर भुगतान करना है तो 1500 गुना में कितने करेंगे हम, गुना में कितना डालेंगे 100 और प्रतिशत कितना था, सॉरी भाई बटे कितना आएगा 100, इससे 20 कट जाएगी, 150 रुपए, 150 रुपए क्या आई, छूट आ चुकी है हमारी, कितनी आई है 150 रुपए छूट आई है, इसमें हम जोड़ देंगे तो 1500 में हम कितना जोड़ देंगे 150 रुपए जोड़ देंगे, 1650 रुपए इसका क्या था, अंकित मूल्य था। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य हमारा कितना आ जाएगा 1650 रुपए, 1650 रुपए उस वस्तु का अंकित मूल्य था, हमें 150 रुपए की छूट हो चुकी है और हमने भुगतान कितना किया, 1500 रुपए का भुगतान किया। तो ऐसे सम भी आ सकते हैं। तो दोस्तों ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है इसी तरह। अब हम जैसे एक वस्तु का भुगतान करता है 12000 रुपए, कितना करता है 12000 रुपए, बट्टा कितना देता है 15%, तो इसका क्या निकालेंगे हम, अंकित मूल्य निकालेंगे हम, तो इसमें से क्या करेंगे हम, जैसे अभी बताया था भाई 12000 गुणा में कितना परसेंटेज है 15 और नीचे हम 20 डालेंगे, 0 कट जाएगी, 15 की और 12 की गुणा करते हैं कितना आएगा 180 और 10 लग जाएगी, 1800 रुपए हमें इसमें से 1800 रुपए हमें क्या आया, बट्टा मतलब जिसके अंदर क्या आई हमारे पास छूट है भाई, 1800 रुपए हमारी क्या है, छूट है। हम अगर किसी वस्तु का भुगतान हम इतना करते हैं तो 1800 रुपए की हमें क्या मिली, इसके ऊपर छूट मिली है, 1800 रुपए की इसके ऊपर छूट मिली है, इस पे छूट मिली है, इसका हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं। तो जैसे 12000 प्लस कितना आएगा 1800 रुपए, 0083 ये आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर इस ऐसे निकाल देंगे हम इसके अंदर से, अगर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास 12000 रुपए है तो 100 में जोड़ देते हैं इसको, 115 आ जाएगा
और हम 20 से 20 काट देते हैं। अब इसके साथ हम इसकी मल्टी कर सकते हैं, 115 और गुणा 120, 0 0 0 और यहाँ 230, उसके बाद यहाँ मल्टी और 115, तो 0 0 8 और 2 1 3 और 13,000 वही 800 रुपए आएगा। तो 13,800 रुपए उसके बाद क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद है हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो प्लीज देखना, इसके बाद हम थोड़ा सा और अलग लेते हैं। अब हमारे पास है जैसे वस्तु का अगर हमें क्या देता है, बटा दे देता है, वस्तु पर छूट, छूट कितनी आ जाती है हमें, छूट मिल जाती है हमें 20%। कितनी मिलती है हमें, 20% की अगर हमें छूट मिलती है। और भुगतान कितना किया उसने, भुगतान भुगतान कितना करता है वो, भुगतान करता है वो 15,000 रुपए या 1500 रुपए हम ले लेते हैं। अब इसका वही क्या निकालेंगे हम, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य निकालेंगे हम, अंकित मूल्य निकालेंगे हम। तो इसी तरह हम रख लेते हैं इसे, अब 20 से 20 काट देंगे हम, तो 15 दुनी कितना हो जाएगा 300, 15 दुनी 30 और 1 0 लगा देंगे हम इसके अंदर, क्योंकि हमें जैसे इसके ऊपर छूट मिलती है ये भुगतान करते हैं और 20% की इसके ऊपर छूट हो चुकी है, तो 20% की अगर छूट हो चुकी है तो अभी लगाया था हमने जैसे क्या कराया था 15,000 और 1500 और 20 बटे क्या रखेंगे हम 100, ये 0 से 0 काट देंगे हम, 15 दुनी 30 और ये 300 रुपए की छूट होती है। अंकित मूल्य निकालेंगे हम, तो 1500 प्लस 300, तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद है जैसे हमारे पास अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, अब जैसे हमारे पास है वस्तु का भुगतान, वस्तु का भुगतान, वस्तु का भुगतान कितना है, वस्तु का भुगतान करता है वो 20,000 रुपए, कितना है 20,000 रुपए और बटा कितना देता है वो, बटा देता है इसके अंदर 30%, कितना देता है 30%। इसमें क्या निकालेंगे हम, वही निकालेंगे हम, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य निकालेंगे हम, तो अंकित मूल्य निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे इसके अंदर से 3 दुनी 6 तो 6,000 बढ़ जाएगा, इसको हम शॉर्टकट में निकालते तो 3 दुनी 6 20 6 कितना हो जाएगा 20 प्लस 6,000 कितना हो जाएगा 26,000 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम शॉर्टकट में काटते हैं तो ऐसे, अगर नहीं निकालते हैं तो इसको उसी तरीके से हम रख लेंगे, जैसे हम 20,000 गुणा में 100 और सॉरी प्रतिशत कितना है 30 और इसका ये हो जाएगा 20 20 काट देंगे, कितना आ जाएगा 3 दुनी 6 तो वही 6,000 रुपए आ जाएंगे और वो 6,000 रुपए हम इसके अंदर से जोड़ देंगे। इस प्रकार हम इस तरीके को निकाल सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों वीडियो का अंत तक जरूर देखें, भाई जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं, क्योंकि हमें रटना नहीं हमें सीखना है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल प्रेस जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद, अगली वीडियो के अंदर हम मिलते हैं। जय हिंद।